अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा जी, यहाँ हम गए हुए हैं एम्पोरियम मॉल, और एम्पोरियम मॉल जो है हम लोगों के एंट्रेंस पे ही कैमरे बंद करवा दिए थे। सब ने कहा कि कैमरे बंद कर दें वहाँ के सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तो हमें कैमरे करने पड़े बंद। अंदर हो गए हैं हम लोग एंटर। स्टार्टिंग पे जो आपने पिक्चर देखी वहाँ पे वो हेलोवेन कुछ पार्टी चल रही है तो उसकी पिक्चर है। ये देख लें जी, हम यहाँ पे अलग अलग घूम रहे हैं। यहाँ पे आपको को बाकी फैमिली नज़र नहीं आ रही, वो इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि मामा लोग गए थे अलग और हम लोग गए थे अलग। ये जो है लाहौरी कुड़ियाँ, ज़रा अपने स्टाइल दिखाती हुई, ये लें, नखरे शखरे टखरे टखरे करती हुई घूम फिर रही थी। दोनों बच्चे मेरे देख लें। अच्छा जी, हादी भाई और कायनात ने की हुई थी ट्विनिंग, सेम कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब हम आ गए हैं जी ऊपर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले नीचे जो है हम लोग जहाँ से होकर आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे लगी हुई थी जी हेलोवीन पार्टी चल रही थी। ये इन्होंने हॉरर हाउस टाइप बनाया हुआ है, 3 स्टेप्स हैं इसके, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। थर्ड वाला लिटरली हॉरर है, हम लोगों ने जाके देखा है लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप शूट नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सनमा के पास खड़े होकर ज़रा डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ जी अगर कोई मूवी शूवी देख सके तो फिर लेट। सन याद आया कि साढ़े मियाँ जी ने मना किया कि इड्डी रात तक कारोबार नहीं रहना। फाइनली यहाँ पे अम्मा लोग जो हैं वो हमें मिल गए हैं, हम लोग फूड कोर्ट भी पहुँच चुके हैं। आज मैं आप लोग को बताऊँगी हम खाएंगे मज़े मज़े के खाने, और साथ में मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि हाँ जी खाना कैसा है, रेकमेंडेड है नॉट रेकमेंडेड है, जैसा भी आप लोग खा सकते हैं नहीं खा सकते। इंडियन फूड ट्राई करने का प्लान है, कज़न और सिस्टर भी उनके साथ हैं, तो आज बड़े मज़े होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल नहीं भूलना कॉमेंट करना। और आप लोग गए हुए हैं फूड कोर्ट एम्पोरियम मॉल, और आप लोग को कौन कौन सी डिशेज़ पसंद आई आप लोगों ने मुझे सब बताना है। कायनात को पकड़ा देते हैं अम्मी को, लकीली हमें सीटिंग भी जाते ही मिल गई थी, वैसे औखी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें जी मेरा ओवरऑल लुक थोड़ी फैटी फैटी सी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह वेट लॉस करेंगे और हम लोग साथ में युवा वाली जर्नी भी इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट कर लेंगे। हादी भाई को देख लें, सज्जे खब्बे हो रहे हैं। मेरी कज़न आ गई, उन्होंने कहा कि तुमने वीडियो डालनी है तो ओके, लेकिन मेरा फेस नहीं आना चाहिए तो मुझे भी तुम वीडियो में ले लो। मैं क्या आए जी आए, हम लोगों ने जफ्फी शफ्फी करके साथ में जो है वीडियो बनाई है। अब मैं आपको दिखा दूँगी, उनकी डॉटर दोनों ने ही बड़े अच्छे ट्रेंडी से जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर का वैसे ड्रेस पहने हुए हैं। एक कज़न जो है सी ग्रीन वाली है, और जो मेरी कज़न की बेटी है वो जो है उसने ब्लैक और ऑरेंज कलर का बड़ा प्यारा सा ड्रेस पहना है। अब्दुल्ला की फुल लुक देख लें, माशाल्लाह अब्दुल्ला भी बहुत प्यारा लग रहा था। हादी भाई अपनी मस्तियाँ में लगे हुए हैं, बच्चे आज के दिन बहुत 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 इंजॉय कर रहे थे। ये जो है सैटरडे नाइट का व्लॉग, क्योंकि सबको लेके हम लोग सैटरडे नाइट को घूमने गए हुए थे। लीज़ा जो है थोड़ी सी डाउन डाउन है, कैमरे को देख के थोड़ी सी एक्टिव हुई थी बट लेकिन फिर डाउन डाउन हो गई। यहाँ पर इन लोगों की मस्तियाँ नहीं रुकी, इन लोगों ने खूब भाग दौड़ की, अच्छा खासा खेले, अच्छी खासी मस्ती मसाक किया, ठीक है। ये बाय बाय करते हुए, इनको पता है कि व्लॉग बन रहा है तो क्यों ना हम लोग भी अपनी शोशा थोड़ी सी मार लें। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे हमारे, सही हो गया। आप लोगों ने भी मुझे बताना है आप लोग सैटरडे नाइट को क्या करते हैं, क्या प्लान्स होते हैं। ये मेरी बेटी पर थोड़ी अय्याशी करती हुई, पैसे शैसे उड़ाती हुई जो अम्मा के पॉकेट में उसने देखे हैं। आ जाते हैं फर्स्ट डिश की तरफ, ये थी जी राज पापड़ी। राज पापड़ी जो है इसमें इन्होंने सबसे पहले हमें दिए थे पानी पूरी कह लें, गोलगप्पे कह लें, जो भी आप लोग कह सकते हैं। इसमें इन्होंने जस्ट आलू और साथ में चने डाले थे और उस पर डालती थी थोड़ी सी मीठी चटनी, दैट्स इट। ये इनका काम ख़त्म हो गया, मीठी चटनी चली जाएगी। उसके बाद आ जाती है जी राज पापड़ी। राज पापड़ी पर जो है इन लोगों ने डालना है सबसे पहले तीखा वाला मसाला। आप स्पाइसिस अपने अकॉर्डिंग जो है वो भी सेट करवा सकते हैं, अगर आप लोग को ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर लें, कम चाहिए कम करें। उसके बाद ग्रीन रायता चला जाएगा, रायता ही कहेंगे इसको। फिर हल्की सी जो है मीठी चटनी, हम लोगों ने कहा इतने मीठा वाला नहीं चाहिए। फिर थोड़ी हमें समझ आई कि डाल लेते हैं थोड़ा और, उन्होंने और डाल दिया। अब ये इस पे दही की अच्छी खासी वारी इन्होंने जो है वो की है बारिश शारिश। अब ये थोड़ा सा और तीखा वाला रायता जाएगा, निमको डाल देंगे और बस इसका काम हो जाएगा तमाम। साथ में ही हमें दे देंगे खट्टा पानी। खट्टा पानी भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम ले सकते हैं, ये तो कंपल्सरी है, वो तो ये दे ही देते हैं, ठीक हो गया ना। बस अपना पार्सल उठाएंगे और चले जाएंगे जी अपने टेबल पर। टेबल पर जाने के बाद सबसे पहले जो है हम ट्राई करेंगे पानी पूरी, ठीक हो गया ना। यहाँ पर इन्होंने हमें हमारा पार्सल दे दिया है, अब हम चलते हैं जी टेबल पर। टेबल पर सब हमारा वेट कर रहे थे, कितने चलिया गई हैं यहाँ पे। असल में हमें जो है मेरी सिस्टर ने बताया था कि बहुत अच्छी है, उन्होंने पहले ट्राई की हुई है तो उन्होंने फिका कि आप लोग भी ट्राई करें। अब हम आ गए हैं अपने टेबल पे। सबसे पहले जो है आप इसमें चमचियाँ मार मार के चेक कर रही, कहते चू कड़ा खजाना लो क्या है कि रहा है करूंदा खजाना जो है टूट नहीं रहा। और ये लिटरी टूट नहीं रहा था, मतलब ये ना वो एक होता है बड़ा क्रंची सा, ये थोड़ा हार्ड सा था बड़ा वाला गोलगप्पा जो है, इसको गोलगप्पा ही कह लेते हैं हम। पानी पूरी ट्राई करते हैं, ये लगाया हमने खट्टा पानी और ये गई हमारे मुँह में, और यस लिटरली
बहुत ही मज़े का था। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर ज़रूर मेरे कहने पे एक बार जाना भी है और ट्राई भी करना, और मुझे बताना है कि आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक लिख के हादी भाई भी स्पून में कि हादी भाई ट्राई करें, लेकिन हादी भाई ने रिजेक्ट कर दिया इसको। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने नहीं खाना। तो ये वाला जो बाइट है वो भी मैंने ही ले लिया, तो बड़ा मज़े का था ये भी। उसके बाद इतना मज़े का था कि झटपट ख़त्म भी हो गया। ठीक है, ये सफाई होगी सारी। सेकेंड डिश की तरफ आते हैं, ये भी हमने सेम शॉप से जो है वो मंगवाई थी। ये थी चिकन तंदूरी, ये कॉम्बो बना हुआ था चिकन तंदूरी का, और साथ में इनके थी पानी, एक पानी पूरी की प्लेट थी, साथ में खट्टा पानी था, साथ में जो है पूरी थी, और साथ में क्या था यार इसके गोलगप्पे की एक प्लेट थी। ये कॉम्बो बन के इन्होंने दिया था। सब लड़कियां अपनी अपनी एक एक बाइट ले रही हैं और हम भी जो है वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, पर साड़ी बारी आ ही नहीं रही। लड़कियां डीप स्पीटो स्पीटी शुरू हुई हैं ना, फाइनली अब हम ले लेते हैं अपनी बाइट। ये स्टार्टिंग में तो मुझे लगी कि हाँ ठीक है, चिकन जो है अच्छे अंदर तक अच्छे से मैरिनेटेड था, हर चीज़ इसकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर बाद में जब इसने अपने स्पाइस दिखाए तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। इसके भी स्पाइस आप लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मुझे फिर बाद में सोसो ही लगा जब जब आया ना थोड़ा सा, तो पता चला कि नहीं यार ये तो थोड़ा तीखे वाला, और मैं इतना तीखा खाना खाती नहीं हूँ, क्योंकि कायनात होती है मेरे साथ, तो फिर मुझे इतना तीखा खाना भी मैं नहीं खा लेती। इसको अच्छा लगा तो इसने थम्स अप दे दिया, कायनात को देख लें। अब आ जाते हैं अपनी थर्ड डिश की तरफ। ये था जॉनी जंगली जॉनी की तरफ से हम लोगों ने मंगवाए हुए थे इनके टेंडर्स, चिकन टेंडर। इस पर भी आप लोग स्पाइस अपनी मर्जी से, हमने एक्स्ट्रा स्पाइसी मंगवाए थे, मेरी बहनिशा ने खा लेती है ना, तो उन्होंने एक्स्ट्रा स्पाइसी वाले चिकन टेंडर्स मंगवाए थे। साथ में बच्चों के लिए नगेट्स थे, और साथ में था इनका टॉर्टिला रैप, बहुत ही मज़े का था, 100% रिकमेंडेड। इतना अच्छा था कि हमें ना पूछें, हम लोगों ने भी ये ना, मैंने व्लॉग श्लॉग देख के ही ये ट्राई करने गई थी कि अच्छा, वाकई ही बहुत अच्छा था। और साथ में था इनका जो है चिकन पेरी पेरी, वो भी बहुत मज़ेदार था, बहुत ही अलग किस्म की। ये भी हमारी जो है तीन जो हम लोगों ने मंगवाए थे जंगली जॉनी से, बहुत मज़ेदार। उसके बाद हम लोग हादी भाई को ले गए, बच्चों ने इतना स्पाइसी खाना खाना नहीं था, तो उन्हें हम लेके चले गए जी है बर्गर किंग पे। बर्गर किंग से हमने हादी भाई के लोगों के लिए की थी हैप्पी मील ऑर्डर, हैप्पी मील नहीं मतलब किड्स मील ऑर्डर की थी। हादी भाई वहाँ पे हमें ऑडी दिखा रहे थे कि वहाँ से आइसक्रीम लेके दे दें, हमने कहा ओके अभी थोड़ी देर में आपको ऑडी से आइसक्रीम भी ले देते हैं। अभी मैं ये चीज़ें देख ही रही थी कि मुझे वहाँ पे नज़र आई कि यहाँ पे एक है आर्ट शॉप, मतलब पेंटर्स हैं, वो पेंटिंग बना के देते हैं आपको आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा चल के पता कर, ठीक है मतलब साइज़ के हिसाब से आप लोग खाना करके देते हैं। चलो हाथ, और इस वाली के इसका नहीं आइडिया, नो नो डोंट टच। चलो अच्छा जी, पता चला कि उनके ऑनर वहाँ पे नहीं है। हमने सबसे बड़ी वाली पेंटिंग का पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी ऑनर नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें जो है साइज़ के अकॉर्डिंग बता दिया था। 5000, 7000 और 3000 जो है वो पर उनके साइज़ के हिसाब से उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है चार्ज करते हैं और आपको आपकी मर्ज़ी की पेंटिंग बना देते हैं। बच्चों का टॉय से पड़ गया था रोला, इनका रोला ख़त्म करने के बाद हम लोग जब टेबल पर पहुँचे तो टेबल पर हमारे लिए खड़ा रहा था इंडियन खाना वेट। इसमें था जी पाव भाजी, और पाव भाजी के साथ था इडली डोसा। लेकिन यकीन करें कि जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला टेस्ट होता है, इसमें रई की हल्की सी खुशबू थी, हम लोगों ने ये बिल्कुल नहीं खाया, ये नॉट रिकमेंडेड है। उसके बाद हमने प्लेटर जैक्शन से मंगवाए थे प्लेटर्स, तीन प्लेटर थे, एक दो चाइनीज़ थे और एक देसी प्लेटर था। देसी प्लेटर का जो टेस्ट था वो भी बहुत आला था। उसके बाद जो है चाइनीज़ प्लेटर में इन लोगों ने एक गलती की कि इन लोगों ने जो है हमें दे दिया मसाला राइस की जगह बिरयानी, और ये लिटरली बिरयानी थी बट इन्होंने हमें मसाला राइस बोल के दिया। उसके बाद जी आ गया, हम लोगों ने एक और मंगवाई हुई थी, ये चिकन स्टेक, बीफ स्टेक होती है, चिकन स्टेक वैसे नहीं होती लेकिन आजकल पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड है चिकन स्टेक का और बीफ स्टेक का, तो हम लोगों ने जो है वो बीफ स्टेक भी ट्राई की, वो भी सोसोई थी। उसके बाद चाय हो जाए पे आए, यहाँ से हम लोगों ने चाय पी, और इतनी देर में पूरे का पूरा हॉल जो है वो खाली हो चुका था, पूरे का पूरा मॉल में कोई भी बंदा ना बंदे की जात थी, बस फूड कोर्ट पर जो लोग थे वो थे, और नीचे का आप देखें सारा सन्नाटा फैल गया, कुछ भी नहीं है। ये नेल बार भी इन्होंने अब ये न्यू बना, ये पहले नहीं था, तो इंशाल्लाह जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तब भी आप लोग के साथ वीडियो बनाएंगे। अम्मा लोगों ने चाय शाय पी और हम लोग निकल आए घर की तरफ वापस। आप लोगों ने है जी दुआओं में याद, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा, अच्छी अच्छी जो है वीडियो को वायरल करें यार, थोड़ा सा बस बहुत हो गया, 95% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, उसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये ज्यादती हो रही है। मैं इतना घूम फिर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ज़रा मज़े शज़े कर सकें। यहाँ पर सफाई वाले आए थे या हम लोग थे, अब जो लोग थे वो निकल रहे हैं बाहर की तरफ, कि चले चलते हैं बाहर और अपने घरों की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने रखना है मुझे दुआओं में याद, वीडियो
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। कितनी बारी बोला कि करें, लाजमी करें ये सब कुछ। ठीक है जी, ये हम लोग स्टेयर्स से जा रहे हैं नीचे। अब करेंगे हम माइल को बाय बाय, और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कायनात मैडम की एनर्जी फुल हो गई मॉल से बाहर निकल के। अंदर मॉल के उसके फुल रोने पिटने, और उसने तूफ़ान उठाया हुआ था कि मैंने नहीं बैठना, मुझे नहीं सुकून आ रहा, उसको बाहर जाना ही जाना था। इतनी देर में जब हम ला के बैठे हैं कैब में, तो कैब में आके जनाब की एनर्जी जो है वो फुल हो गई। आप वो चल के देखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।